दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये मांग सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार की मांग नहीं है, बल्कि पिछले 5 दशक से बीजेपी और कांग्रेस इस मांग को न सिर्फ मांगती रही है बल्कि चुनाव के वक्त अपने अपने मैनिफेस्टो में भी जगह दी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों बचकाना तर्क देकर बच निकलना चाह रहे हैं। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए और दिल्ली में बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके लिए जमीन इत्यादि की आवश्यकता होती है उनको सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करें, जिसकी वजह से हमें पुलिस और जो लैंड है, GDA है, ये सारी की सारी एक छत के नीचे हमारे को उपलब्ध हो। पिछले काफी समय से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग रही है, लेकिन अब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली का चहुमुखी विकास नहीं हो पा रहा। हालांकि दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई और इसकी अपनी एक सरकार है, लेकिन दिल्ली सरकार को वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो किसी एक पूर्ण राज्य की सरकार को प्राप्त होते हैं। दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार जरूर है, लेकिन उनके पास काम करने के लिए अधिकार ही नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं ताकि दिल्ली वालों को उनका हक मिले और बेहतर काम हो। मौजूदा समय में स्थिति कितनी भयावह हो गई है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक फाइल पास करवाने के लिए पिछले 3 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने 3 मंत्रियों के साथ LG के दफ्तर में बैठे हैं, लेकिन फाइल पास करना तो दूर, उनसे LG अनिल बैजल मिलने तक की भी जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। सवाल उठता है कि इतनी तानाशाही किस बात की और ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? LG को हथियार बनाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली के काम को ठप करना चाहती है। आज अरविंद जी है, कल को कोई और मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अगर ये आप जन सरोकार की चीज में शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मसलों पर अगर आप फाइल पे किसी ब्यूरोक्रेट को मोहरा बना के बिठा रहे हैं तो आप अरविंद जी को परेशान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप दिल्ली की किसी भी चुनी हुई सरकार को परेशान नहीं कर रहे हैं, आप दिल्ली की आवाम को परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग है कि पिछले 4 महीने से चला आ रहा IAS अफसरों की हड़ताल खत्म हो, दूसरा राशन को लेकर डोर स्टेप डिलीवरी की फाइल पास किया जाए, और तीसरा जो भी अफसर काम नहीं कर रहे उन पर कार्रवाई हो, ताकि एक संदेश जाना चाहिए। लेकिन उपराज्यपाल चुप्पी साधे बैठे हैं। केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार के प्रतिनिधि LG आखिरकार एक चुनी हुई सरकार के मुखिया जो दिल्ली के हक में काम करना चाह रहे हैं, सवाल उठता है कि उनको काम करने से क्यों रोका जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, Fact News Live.